Hi, today we will discuss about diagnostic assessment of pregnancy. For the screening and assessment of fetal well-being, fetal abnormality and high-risk pregnancy, perform many type of diagnostic method. फीटल वेलबिंग एंड फीटल एबनॉर्मेलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए हम स्क्रीनिंग और असेसमेंट करने के लिए बहुत सारे डायग्नोसिस मेथड का यूज़ करते हैं, जिनमें से अल्ट्रासाउंड फर्स्ट है। तो अब देखते हैं अल्ट्रासाउंड के बारे में। अल्ट्रासोनोग्राफी यूजेज हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव टू प्रोड्यूस इमेज of internal organs and other tissues. अल्ट्रासोनोग्राफी में हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है, जिससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस करके इमेज बनाई जाती है इंटरनल ऑर्गन और टिश्यूज़ की। तो वो कैसे करता है, वो ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल करंट इनटू साउंड वेव्स। ट्रांसड्यूसर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को साउंड वेव में कन्वर्ट करता है, देन सेंड इनटू द बॉडी टिश्यू, देन उन साउंड वेव्स को बॉडी टिश्यूज में भेजता है। साउंड वेव्स बाउंस ऑफ स्ट्रक्चर इन द बॉडी एंड आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द ट्रांसड्यूसर। जो साउंड वेव्स होते हैं वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी से गुजर कर वापस रिफ्लेक्ट होकर ट्रांसड्यूसर के पास ही आते हैं। देन ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट द वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देन ट्रांसड्यूसर उन वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। एंड कंप्यूटर कन्वर्ट द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू एन इमेज। देन कंप्यूटर उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इमेज में कन्वर्ट कर देता है, विच इज़ डिस्प्ले ऑन ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर पे डिस्प्ले होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द रियल टाइम इक्विपमेंट प्रोड्यूस मूविंग पिक्चर। तो ये अल्ट्रासाउंड है वो रियल टाइम इक्विपमेंट है जो मूविंग पिक्चर्स को प्रोड्यूस कर सकती है। ट्रांस एब्डोमिनल स्कैनिंग इज मोस्ट कॉमन, बट द सेलेक्टर प्रोब यूज्ड वेजाइनली इज स्पेशली यूज्ड इन अर्ली प्रेगनेंसी। ये अल्ट्रासाउंड दो तरह से होती है, ट्रांस एब्डोमिनल एंड ट्रांस वेजाइनल। तो ट्रांस वेजाइनल के लिए एक अलग प्रोब होता है जो अर्ली प्रेगनेंसी में ही यूज कर सकते हैं, उसको लेट प्रेगनेंसी में ट्रांस वेजाइनली सोनोग्राफी नहीं होती है, वो या तो अर्ली प्रेगनेंसी में होती है या फिर नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द ट्रांसड्यूसर इज मोर क्लोजर टू ऑब्जेक्ट द इमेज आर ऑफ एनहांस क्वालिटी। ट्रांसड्यूसर जितना ऑब्जेक्ट के पास होगा उतना ही उसकी अच्छी इमेज और क्वालिटी आएगी, उसकी इमेज की क्वालिटी को बढ़ाएगा। देन पेशेंट प्रिपेयर फॉर अल्ट्रासोनोग्राफिक स्कैनिंग। अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, नो स्पेशल प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। कोई स्पेशल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती इसके लिए। ए फुल ब्लैडर इज रिक्वायर्ड इन नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर और प्रेगनेंसी। नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट और फर्स्ट ट्राइमेस्टर और प्रेगनेंसी वाले पेशेंट को फुल ब्लैडर रिक्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद इंडिकेशन फर्स्ट क्यों करते हैं, किसमें ज़रूरी होती है यूएसजी, वो फर्स्ट है टू डिटरमाइन द मैच्योरिटी ऑफ फीटस इन केस, फीटस की मैच्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, उसमें क्या होता है, अनसर्टेन जेस्टेशनल एज। ठीक है, सेकंड है प्रायोरिटी टू इलेक्टिव इंडक्शन ऑफ पोस्ट मैच्योरिटी और इलेक्टिव सीजेरियन सेक्शन। ठीक है, सेकंड है इन केस ऑफ सस्पिशियस ऑफ फीटल एंड प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी, कि एनी टाइप ऑफ फीटल एबनॉर्मलिटी और प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी को देखने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, जैसे सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग इन अर्ली मंथ टू ए सर्टेन लोकलाइज ऑफ प्लेसेंटा इन एब्रप्शियो प्लेसेंटा
टू कंफर्म इंट्रायूटेराइन डेथ ऑफ फीटस, हाई रिस्क प्रेगनेंसी सच एज आरएस इनकॉम्पेटिबिलिटी, डायबिटीज एंड पीआईएच, एंड पीआईएच मींस प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, एंड माल प्रेजेंटेशन सच एज ब्रीच, ट्रांसफर्स और फेस प्रेजेंटेशन, या ट्विंस बेबी हो, देन पॉलीहाइड्रोमोनोज की कंडीशन हो। एंड थर्ड इंडिकेशन है प्रायर टू इन्वेसिव डायग्नोसिस प्रोसीजर, कोई भी इन्वेसिव डायग्नोसिस प्रोसीजर करने से पहले। देन देखते हैं फाइंडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैनिंग, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूएसजी करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, उसमें फर्स्ट फीटस को देखते हैं, उस फीटस में क्या देखते हैं, रेगुलर फीटल हार्ट पल्सेशन, मेजरमेंट ऑफ क्राउन रम्प लेंथ CRL, इसमें फीटस की हेड से बटक्स तक की लेंथ को देखते हैं, ठीक है। देन फीटल एक्टिविटी, देन बाईपैराइटल डायमीटर, फीमर एंड ह्यूमरस, एंड एब्डोमिनल आफ्टर 10 वीक, इसमें एब्डोमिनल आफ्टर 10 वीक, 10 वीक जस्टेशन के 10 वीक बाद में फीटस के एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी देख सकते हैं, फीटल एनन्सेफेली आफ्टर 12 वीक्स, ठीक है। देन प्लेसेंटा में क्या देखते हैं, द साइट वेयर द ट्रोफोब्लास्ट सीम्स टू बी लोकलाइज टू फॉर्म द प्लेसेंटा, जो ट्रोफोब्लास्ट जहाँ पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना है वहाँ जब ट्रोफोब्लास्ट लोकलाइज कहाँ है वो साइट को देखते हैं, उस साइट को देखते हैं ट्रोफोब्लास्ट वाली साइट को, ठीक है। देन पेल्विक एडिनेक्स एंड एबनॉर्मेलिटी, इसमें देखते हैं ओवेरियन न्यूप्लाज्म, ओवेरी में कोई ट्यूमर तो नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मिस्ड अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन एंड हाइडेटिफॉर्म मोल। देन देखते हैं सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में यूएसजी में क्या स्कैनिंग करते हैं वो देखते हैं। पहला इसमें पेल्विक एनाटॉमी को देखते हैं, इसमें यूटेराइन साइज, एनी फाइब्रॉइड, ठीक है, लेंथ ऑफ सर्विक्स एंड एनी सॉलिड और सिस्टिक मास, ठीक है। देन एमनियोटिक फ्लूड को देखते हैं, एमनियोटिक फ्लूड में पॉलीहाइड्रामिनोज और ओलिगोहाइड्रामिनोज, या एमनियोटिक फ्लूड कम या ज़्यादा तो नहीं है वो देखते हैं, ठीक है। देन फीटस को देखते हैं, साइज, ग्रोथ पैटर्न, सीरियल बाईपैराइटल डायमीटर, फीमोरल लेंथ एंड एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस देखते हैं फीटस की। देन एस्टिमेशन ऑफ फीटल वेट, उस एज पर फीटल का वेट कितना है वो एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। मल्टी फीटल प्रेगनेंसी, ट्विंस प्रेगनेंसी को देखते हैं, माल प्रेजेंटेशन को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वायबिलिटी ऑफ फीटस की वायबिलिटी को देखते हैं, ठीक है। इसमें हार्ट पल्सेशन देखते हैं, हार्ट बीट सुनते हैं उसमें, और फीटल के लिम्ब मूवमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। देन प्लेसेंटा लोकेशन एंड एब्रुप्सियो प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा प्रीविया की अगर कंडीशन हो तो उसको असेस करते हैं। देन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द स्कैन एट डिफरेंट जेस्टेशनल एज, डिफरेंट जेस्टेशनल एज में जो इंफॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो यूएसजी के द्वारा देखी जाती है वो ये है कि नॉर्मल ग्रोथ एंड वेलबिंग, फीटस के नॉर्मल ग्रोथ और वेलबिंग को देखते हैं, प्रोवाइड रीजनेबल एक्यूरेट डाटा ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के रीजनेबल एंड एक्यूरेट डाटा को प्रोवाइड करते हैं, हेल्प टू डिटेक्ट फीटल माल फॉर्मेशन, अगर फीटस में कोई माल फॉर्मेशन है तो उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, टू कंसिडर इलेक्टिव लेबर इंडक्शन एंड सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। देन रिस्क ऑफ अल्ट्रासोनिक्स के क्या रिस्क हैं वो देखते हैं, डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट इन ह्यूमन टिश्यू,
इसमें है डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड ह्यूमन टिश्यू पे किसी तरह का कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं डालता है, इसका कोई रिस्क नहीं है। ओके देन एक बार वापस देख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव को प्रोड्यूस करके इमेज बनाता है इंटरनल ऑर्गन्स और टिश्यू की, ठीक है। इसमें दो प्रोब होते हैं, जो एक ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी होती है, एक ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी होती है, उसको टीवीएस बोलते हैं। इसमें ठीक है, इसमें अर्ली प्रेगनेंसी में ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन लेट प्रेगनेंसी में ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी नहीं करते हैं, ठीक है। देन पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं सोनोग्राफी के लिए। पेशेंट का ब्लैडर फुल होना चाहिए प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फिर नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट में। उसके बाद में इंडिकेशन क्या होते हैं, मैच्योरिटी ऑफ फीटस एंड केस ऑफ सस्पिशियस ऑफ फीटल एंड प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी एंड प्रायर ऑफ इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। ओके देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या देखते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीटस, प्लेसेंटा, पेल्विक एडिनेक्स एबनॉर्मलिटी है ना, ये सब देखते हैं। और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में पेल्विक एनाटॉमी, एमनियोटिक फ्लूड, फीटस वेलबिंग, वायबिलिटी फीटस, प्लेसेंटा, ये सब देखते हैं। ओके देन वी विल सी सम यूएससी रिपोर्ट्स। फर्स्ट, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की रिपोर्ट है यूएससी, जिसमें फीटस दिखाई दे रहा है एंड एमनियोटिक फ्लूड सेकेंड ट्राइमेस्टर। एंड ये थर्ड ट्राइमेस्टर एंड विद HD 3D पिक्स है ये। ये है USG का ट्रांसड्यूसर जिसपे जेली लगा के अप्लाई किया जाता है। ये USG मशीन, ये फीटस की क्राउन रंप लेंथ को मेजर कर रहा है। क्राउन रंप लेंथ मींस हेड टू वर्टेक्स लेंथ। ट्विन प्रेगनेंसी, ये ओलिगोहाइड्रोमनोज को इंडिकेट कर रहा है एंड ये पॉलीहाइड्रोमनोज को इंडिकेट कर रहा है। इसमें पॉलीहाइड्रोमनोज के साथ में फीटल ट्राइसोमी 18 की भी कंडीशन है फीटस में एंड ये 31st वीक का फीटस है इसमें। ये है प्लेसेंटा, इसमें एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट दिख रहा है प्लेसेंटा का। एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस।